नमस्कार, जीत क्लासेज गोपालगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज अपन नेक्स्ट लोक देवता के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, बाबूजी राठौड़। तो देखते हैं बाबूजी राठौड़ के बारे में। बाबूजी राठौड़ का जन्म 1239 ईस्वी और विक्रमी में पहुंचे तो 1296 विक्रमी संवत 1296 में, और कोलू इन कोलू नामक स्थान फलोदी जोधपुर में हुआ। और बाबूजी के मंदिर को मड कहा जाता है। बाबूजी के मंदिर को क्या कहा जाता है? मड कहा जाता है, इसलिए कोलू को कहा जाता है कोलू मड। यह बाबूजी का जन्म दांदल जी राठौड़ के घर हुआ, यानी बाबूजी के पिता का नाम दांदल जी राठौड़। दांदल जी राठौड़ दूहड़ नामक राठौड़ राजवंश के शासक दूहड़ के भाई थे। दांदल जी दूहड़ वही शासक है जो नागणेची माता की मूर्ति कर्नाटक से लाए थे और नागाना गांव बाड़मेर में स्थापित की, जहां लकड़ी की मूर्ति है नागणेची माता की, जो राठौड़ राजवंश की क्या है, कुल देवी है नागणेची माता। तो नेक्स्ट है कमला दे। बाबू जी की माता का नाम था कमला दे। माता का क्या नाम था? कमला दे। और पत्नी का नाम था फूलम दे या सुप्यार दे। फूलम दे या सुप्यार दे या सोडी रानी भी कहा जाता है। सोडी रानी ये किसकी पुत्री थी? ये अमरकोट पाकिस्तान के सूरजमल सोडा की पुत्री, इसलिए इसे सोडी रानी भी कहा जाता है। सूरजमल सोडा की पुत्री थी। बूढ़ो जी बाबू जी के भाई थे। बूढ़ो जी कौन थे? बाबू जी के भाई। बाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था? तो केसर कालमी बाबू जी की घोड़ी थी। और बाबू जी की फड़ में केसर कालमी घोड़ी का चित्र किस प्रकार का है? तो काले रंग का चित्र, ये काले रंग की घोड़ी बाबू जी की। इसके बाद में बाबू जी को ऊंट रक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। ऊंट रक्षक देवता या बाबूजी को मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को, और श्रीलंका से ऊंट लाए थे बाबूजी। बाबूजी को गो रक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। बाबूजी ने किन की गायों की रक्षा की थी? देवल चारण की गायें। और कौन लेके गया था? जींदराव खींचे। प्लेग रक्षक देवता, हाड़ फाड़ के देवता। और बाबूजी अवतार किनके हैं? तो बाबूजी लक्ष्मण के अवतार है। मेर जाति के मुसलमान बाबूजी को पीर नाम से पूजते हैं। मेर जाति के मुसलमान किस नाम से पूजते हैं? तो पीर नाम से पूजते हैं। रेबर या राय का लोग इन्हें आराध्य देव के रूप में पूजते हैं। और ऊंट बीमार होने पर बाबू जी की फड़ बचवाते हैं राय का या रेबारी लोग। बाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। और बाबू जी की फड़ बांसने वाले कौन है? नाइक जाति के बोपे होते हैं। और कौन सा वाद्य यंत्र? तो बाबू जी की फड़ है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाजी जाती है, जिसमें कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं। रावण हत्ता वाद्य यंत्र। राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र है। और राजस्थान का अगर राज्य वाद्य कह दे तो ध्यान रखना अलगोजा है। अलगोजा राज्य वाद्य है। और एक बात करें अन्ना वगेला, तो गुजरात के गुजरात में 7 थोरी भाइयों की रक्षा की थी बाबू जी ने। इसके बाद में थोरी जाति के लोग बाबू जी को आराध्य देव के रूप में पूजते हैं। तो थोरी भाइयों की रक्षा किन से की थी? गुजरात का एक शासक था अन्ना वगेला। अन्ना वगेला से थोरी भाइयों की रक्षा की थी, इसलिए थोरी भाई भी ने आराध्य देव के रूप में पूजते हैं। और बाबू जी के पवाड़े बाजते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है बाबू जी के पवाड़ों में। और बाबू प्रकाश आशिया मोड़ जी ने लिखा बाबू प्रकाश, बाबू जी से संबंधित ग्रंथ है ये भी। और भील जाति के आराध्य देव कौन है? तो बाबू जी। और भील जाति की आराध्य देवी कौन सी है? तो आमजा माता बताना होगा। ये थोरी जाति की भी आराध्य देव मानते हैं। एक रचना है बाबू दणेरी वाचना, यानी बाबू जी का यशोगान गाते हैं कौन? थोरी जाति के लोग। थोरी जाति के लोग बाबू जी की यशोगाथा गाते हैं, जिसे कहा जाता है बाबू जी की बाबूजीरी वासना। किस वाद्य यंत्र के साथ? तो सारंगी वाद्य यंत्र के साथ। बाबूजी ने देवल चारणी की गायों की रक्षा की थी किन से? अपने बहनों जींदराव खिची से। जींदराव खिची ने जब बाबूजी फेरे ले रहे थे, 3.5 फेरे लिए, बीच में जींदराव खिची देवल चारणी की गायें लेकर चला जाता है। और बीच में ही बाबूजी फेरों के बीच में उठकर देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हैं। और देचू नामक स्थान पर जींदराव खिंची से युद्ध करते हैं। और 1276 ईस्वी में बाबूजी गायों की रक्षा के लिए शहीद हो जाते हैं। 3.5 फेरों में बीच में गए और गायों की रक्षा के लिए शहीद हो गए 1276। स्थान बताना कहाँ? देचू नामक फलोदी जोधपुर में बाबूजी शहीद हो गए। और बाबूजी शहीद होने के बाद में बाबूजी के भतीजे यानी बाबूजी के भाई बूढ़ो जी के पुत्र कौन है?
रूप नाची, जिन्हें जड़ा जी भी कहा जाता है और हिमाचल में इन्हें बालक नाथ के नाम से पूछते हैं। तो रूपनाथ जी ने जिंदराव खींची की हत्या करके बाबू जी की हत्या का बदला लिया था। और ये जिंदराव खींची मूल रूप से कहाँ का था, जाइल नागौर का, जाइल नागौर का था। और जिंदराव खींची की पत्नी जो बाबू जी की बहन थी उसका नाम था सोहनबाई, सोहनबाई था। बाबू जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो थाली नृत्य किया जाता है बाबू जी की आराधना में। नेक्स्ट है बाबू जी का प्रतीक क्या है, तो हाथ में भाला लिए हुए अश्वरोही योद्धा के रूप में वो बाबू जी का प्रतीक है। और बाई और झुकी पाग, किधर, बाई और, तो दायां ध्यान, बायां ध्यान रखना है ना, दायां नहीं करना, बायां, बाई और झुकी पाग, ये भी बाबू जी का प्रतीक माना जाता है। और बाबू जी का मेला कब बढ़ता है, तो चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को कोलू मंड फलोदी में बाबू जी का एक वार्षिक मेला बढ़ता है। और एक ध्यान रखना, बाबू जी के सहयोगी कौन है, चांदा डैमा हरमल और सलजी सोलंकी, सलजी सोलंकी, चांदा डेमा हरमल और सलजी सोलंकी, ये कौन है, बाबू जी के सहयोगी थे। और ध्यान रखना एक महत्वपूर्ण बात है, आगामी एग्जाम में आने की पूरी संभावना, क्योंकि ये फालतू का क्वेश्चन नहीं होकर, ये आपको फंसाने वाला क्वेश्चन नहीं होकर, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाया हुआ है और ये प्रमाणिक बात है। तो ध्यान रखना मूणोत नैणसी और बाबू प्रकाश लिखने वाले आशिया मोड़ जी के अनुसार, मूणोत नैणसी और बाबू प्रकाश लिखने वाले आशिया मोड़ जी के अनुसार बाबू जी का जन्म कहाँ हुआ, तो बाड़मेर में एक स्थान है खारी खाबड़, खारी खाबड़ का जूना गांव, खारी खाबड़ का जूना गांव बाड़मेर में एक अप्सरा के गर्भ से बाबू जी का जन्म हुआ। ये कहने वाले कौन है, मूणोत नैणसी और आशिया मोड़ जी, इनके अनुसार अगर पूछ ले बाबू जी का जन्म कहाँ है, तो ये बताना।